स्टोरी में. सो कमिंग टू द इशू फर्स्ट, पबजी मोबाइल इंडिया कैंसल्ड माई इन्वाइट वाइल आई वॉज इन ट्रेन टू वॉच द पी एम आई टी फाइनल्स इन कोलकाता एज अ गेस्ट. For someone who has dedicated for more than a year to PUBG Mobile, promoting it, making the best teams in India, I felt shocked and surprised. Someone without whom PMIT Pune could have never happened, with all 20 teams playing, no teams to watch out for would have come in their YT posts or Instas. For someone who prioritized PUBG Mobile, the community, the teams before himself, I am broken. The list goes endless for what I have done, for what I am doing. Boast की बात नहीं है, पर अब बहुत हो गया. Reason for cancelling my invite. I streamed COD, मतलब कि Call of Duty for 4 days. अमन सर बोलो. You are the audience. Be the best judge of the right and the wrong. I stand for creativity and growth, and I am not bowing down to anyone. Hashtag peace. Also, I'm a visionary, an entertainer, an artist of my own. Don't dare to steal my creativity. You, PUBG Mobile India, you lost me. I lost nothing. समझे? So basically ऐसा था कि हम लोगों का सीन ऐसा था कि हम लोग जा रहे थे कोलकाता, तो VIP pass there to I guess to sit in the front Fall rows to and to witness the match finals. So aisa tha ki Thug got the news from the Tencent officials, I guess, as it is written in the post, jaisa ki likha hua hai uske story mein, ki usko ek call aaya and they said ki aapka hum logon ne cancel kar diya hai VIP pass. Kyu kar diya hai? Reason ye hai cancel karne ka ki usne कॉल ऑफ ड्यूटी स्ट्रीम करा था 4 दिन ऑन इस चैनल, तो इस वजह से उन्होंने उसका कैंसिल कर दिया वीआईपी पास. सो आप लोग बताइए अब, इज इट जस्टिफाइड? मतलब ऐसा था, मैं आपको सीन बताऊं कि मैं हाइड्रा में था, थग ने मुझे इनवाइट करा 8-bit में एंड ही टोल्ड मी कि जो है यू हैव द पोटेंशियल और यू कैन बी द स्ट्रीमर, तो एंड यू कैन एंटरटेन वेरी वेल जनता को, आप बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकते हो. वक्त लगेगा, यू विल ग्रो, फॉर दैट यू हैव टू स्टे काम. और मैं आई वॉज लाइक ओके, आई ट्रस्टेड हिम एंड आई स्टिल ट्रस्ट हिम. भले ही दुनिया का कोई भी वो आ जाए, ऑफर आ जाए, ऑफर की वजह से मैं इतना जानता हूँ कि आई वोंट बी लीविंग थग साइड, इतना मुझे पता है. मेरी दोस्ती थग, नमन, वाइपर, अमन, इन सब लोगों से बहुत है. आई कंसिडर देम अलॉट. स्लेयर, गोल्डी भाई को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ. दोस्ती अपनी जगह, बड़ा भाई अपनी जगह, और मैं आई सी अ फ्रेंड इन हिम. तो खैर, कमिंग टू द टॉपिक, मैंने थक के अंदर एक विजन देखा था और उसका एफर्ट्स देखे थे. अभी PMIT पुणे वाला सीन हुआ था, उसने सिचुएशन को संभाला, ना भी संभाला हो मैं कहता हूँ, प्लेयर्स के अंदर खुद अपनी अकल आ गई हो, बट ही ट्राइड ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑफिशियल्स. उसने वहाँ पे गया, बात करा, वॉट ही वॉज आउट देयर, ओनली अ कास्टर ना, बट स्टिल ही वेंट आउट ऑफ द वे. उसने उसी मोमेंट, एक होता है ना ट्रांजिशन, माइंड सेट का ट्रांजिशन, कि उसने जो है अपने आप को एज कास्टर से हट के अपनी मैंटेलिटी को एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एज अ प्लेयर समझा, और उसने अपने बाकी वहाँ पे जितने भी लोग थे, प्लेयर्स थे, उनसे बात करी. मैं कहता हूँ उनके समझने से, उसके समझाने से ना समझो, बट उसने ट्राई करा. इट वॉज एन एफर्ट फ्रॉम थग साइड फॉर द टेंसेंट, कि वहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज इवेंट था पबजी वालों का, तो उसने वहाँ पे एफर्ट दिया और उनके लिए, और वो मतलब सही गया एंड प्लेयर्स रिटर्न टू देयर प्लेसेस, और उन्होंने खेला वॉट एवर वॉज डिसाइडेड कि ऐसे अब से कंटिन्यू होगा या जो भी होगा. सो इट वॉज एन एफर्ट फ्रॉम हिज साइड एंड लुकिंग आफ्टर एवरी थिंग वॉट ही हैज़ बीन डूइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे. मैं नहीं कह रहा कि भाई थक की वजह से टेंशन चल रहा है या कुछ भी, बट एक राई के पहाड़ में एक राई का दाने का भी एफर्ट अगर होता है ना, वो भी काउंट करा जाता है. तो अगर कोई इंसान एफर्ट दे रहा है, तो मतलब इस उम्मीद से दे रहा है कि उसको वो चीज़ वापस मिलेगी. कितनी बार नॉक हो गया भाई, और वो नहीं मिला, तो इसलिए ही इज हार्ट ब्रोकन. और मुझे भी बहुत खराब लगा, घूम रहा है बिकॉज़ रीजन जस्टिफाइड नहीं है. छोड़ दे, कूदने वाले को छोड़ दे. अमन माइक ऑफ.
करा तो इट वाज लाइक मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ। आई वाज लाइक कि वो जो है मजाक चल रहा है। जुको दादा कॉल्ड मी अप। जुको दादा वाज लाइक कि भाई ये सब क्या सुन रहा हूँ। तो आई वाज लाइक कि मैंने उनको पूरा बताया सीन। तो ही वाज लाइक कि ये तो बिल्कुल ही मतलब फर्जी बात है एक तरीके से। एंड एंड या ट्रू फर्जी बात है बिल्कुल। अनइंस्टॉल पबजी हम नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। प्ले सीओडी गाइस, इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग तब खेलिए जब आपको लगे कि जो है आपको खेलना चाहिए। बट इट्स नॉट लाइक कि कुछ हुआ और अनइंस्टॉल और ये और वो। दीज आर ऑल चाइल्डिश एक्ट्स। यस जस्टिस फॉर थग। हाँ ठीक है, इट्स कूल, मतलब इट्स गुड। इतना मतलब एक हम लोग अपनी डिसेंसी रखेंगे भाई। निंजा अथॉरिटी हैशटैग जस्टिस फॉर थग। ट्रू भाई, ट्रू।